संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सांसद की तबीयत खराब हो गई। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी स्पीच दे रहे थे, उसी दौरान IUML नेता ई अहमद को दिल का दौरा पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़े। इसके बाद उन्हें तुरंत सदन से बाहर ले जाया गया और एम्बुलेंस के जरिए अहमद को तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो चिकित्सकों की निगरानी में है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी उनका हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल गए। पीएम मोदी ने भी साथी सांसदों के जरिए अहमद के स्वास्थ्य की जानकारी ली। आपको बता दें कि 78 वर्षीय अहमद केरल से सांसद हैं। वे इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। वे 10वीं लोकसभा, 11वीं लोकसभा, 12वीं लोकसभा, 13वीं लोकसभा और 15वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। 2004 से लेकर 2009 तक वे मनमोहन सरकार में विदेश राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। वहीं 2009 से 2011 तक वे रेल राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मंत्री के तौर पर भी काम किया है। तो आज से बजट सत्र का आगाज हो गया है और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बीच में ही ई अहमद की तबीयत भी खराब हो गई। फिलहाल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।